हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने पाप की सम्मान नहीं कर पाए, हमसे कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं? और दृश्य भी हम सबने देखे, जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, माने और उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासन काल के समय हुआ ही था जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था, लड़के हैं गलती कर दे, हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने पाप की सम्मान नहीं कर पाए, हमसे कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी आप? कुछ भी बोल रहे हैं दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। फिर हैं ऐसे भी बयान आए थे, ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किसके गुरु हैं, यानी यह सत्यनारायण गुरु किसके हैं। यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है, और महोदय मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। मैं आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी, आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे, और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य जरूर हो सदन, ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा, लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए हैं। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? धन्यवाद। तेन अध्यक्ष महोदय जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं ये बात आपने।